झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के हुल्लू गांव में एक जंगली हाथी कुएं में गिर गया। हाथी को कुएं से बाहर निकालने के लिए वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने करीब 4 घंटे मशक्कत की। जेसीबी मशीन के जरिए हाथी को बाहर निकालने का रास्ता बनाया गया। इसके बाद वह किसी तरह बाहर निकला। कुएं में गिरने के कारण हाथी को कई जगह चोट लगी है। कुएं से निकलने के बाद हाथी संग्रामपुर जंगल की ओर चला गया। जानकारी के अनुसार 10 से 12 हाथियों का झुंड तांडिल बीसा गांव की ओर से हुल्लू गांव की ओर जा रहा था। पीछे पीछे वन विभाग की टीम भी चल रही थी। इसी दौरान गांव के मकई और भिंडी के खेत के बीच बने कुएं में अचानक एक हाथी गिर गया। वन कर्मियों ने हाथियों के झुंड से एक हाथी को गायब पाया, जिसके बाद वन कर्मी ने इसकी खोजबीन की। कुछ ही देर में कुएं में हाथी के गिर जाने की जानकारी मिली। इसके बाद वन विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। हाथी को कुएं से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, जिसके बाद वन कर्मियों ने जेसीबी मशीन की मदद से हाथी को निकालने का रास्ता बनाया और फिर हाथी को गड्ढे से बाहर निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।